सो अभी मैं जा रहा हूँ ड्रोन के काम से। ड्रोन के ना जो गिम्बल है ना अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर रहे, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट्सअप पीपल कुलदीप दिस साइड बैक विद अनदर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, ड्रोन को ठीक करा के आते हैं। आज तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम लग रही है, इतनी कम कैसे हो गई पता नहीं। फ्राइडे है, खुशी होनी चाहिए वैसे, हमें तो सोचना नहीं चाहिए। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ना पार्किंग की काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इस गाड़ी को लेके आया हूँ। अगर वहाँ जाते हैं पार्किंग ना मिले, गलियाँ काफ़ी ज़्यादा नैरो है, काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ जाए, जिससे कि फिर मैं जब वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाए, क्योंकि जितना उसके जल्दी से काम निपटाते हैं घर जाते हैं, क्योंकि आज मैच भी आ रहा है, मैच देखने का मन है मेरा काफ़ी ज़्यादा। लास्ट मैच भी मिस कर दिया था, मैं बाहर था। सो ड्रोन दे दिया है, छोटा सा काम है, वो कर देगा फिनिश, तो उसके बाद फिर ड्रोन लेके चलेंगे, घर को चलेंगे। मैं सोच रहा था कि चेंज कर लेता हूँ या ड्रोन इनको ही दे देता हूँ, बट ये कह रहे कि नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि ये ना ड्रोन का नया और पुराने का सेल परचेज का काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस रिपेयर करते हैं बेसिकली, या फिर आपके लिए कोई ड्रोन असेंबल करना हो जैसे लाइक दैट कुछ, या फिर कुछ और FPV ड्रोन वगैरह उनको असेंबल कराना, तो वो करके दे देते हैं। ये सिलेरियो में आई नई स्क्रीन, देखा नीचे फोन लगा के ऊपर फोन लगा दिया मैंने, तो मस्त लग रहा है देखने में ना। सो अब उनके काम कुछ ऐसे ही रहते हैं भाई। अब यहाँ से निकल चुके हैं, ड्रोन मैंने दे दिया है, अब देखते हो कब कितने दिन में देगा मुझे, क्योंकि अभी क्या था भाई टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी दिक्कतें लग रही हैं मुझे, होपफुली ठीक हो जाए, नहीं तो अदरवाइज मुझे बेचना पड़ेगा। तो फ्यूचर में देखते हैं कि बेचते हैं या फिर रखते हैं, और वैसे भी है ना ड्रोन का यार झंझट बहुत है, सो मे बी इन फ्यूचर मे बी ले लूँ कोई ड्रोन इसको बेच के, क्योंकि इसमें दिक्कतें ज़्यादा आने लग रही हैं, और कोई आइडिया नहीं है। अभी यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर है, वैसे मेरा डिम्पी बाजी का घर ही आस पास में था, मैं डिम्पी बाजी से बुला के बात कर सकता, बट मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, तो वाइफ के साथ हो गया मेरा टाइम पास, अदरवाइज़ मैं डिम्पी बाजी को बुला लेता। और अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ज़बरदस्त वाला, यहाँ पे स्क्रीन पे चला रखा है मैच मैंने, और ऋषभ पंत मार रहा है अच्छी तरह, मतलब दो दो के मार रहे हैं इंग्लैंड को, छक्के मारे, एक चौका भी इनको छीन लिया गया, ज़बरदस्ती छीन लिया गया। कैसे छीना गया कि बैट से लग के गई थी, अंपायर ने दे दिया आउट, तो उसको अगर वो नॉट आउट होंगे बाद में तो बॉल डेड बॉल हो जाती है, मतलब रन उसके काउंट नहीं होने वाले हैं। सो इस रूल के ऊपर ICC को कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ सोच विचार होना चाहिए इसके ऊपर। और बाकी ये सब बढ़िया भी कर जा रहे हैं, और मौसम भी मस्त हो रखा है, गर्मियों की शुरुआत हो रखी है, और परब जोता निकल गया कहीं राइड पे। मैं से कह रहा था कि चलने के लिए, बट मुझे ना कल भी काम है, परसों भी काम है, परसों एक्चुअली मेरे वाइफ का बर्थडे है, और फिर 30 तारीख को भी रिटायरमेंट आ रहा है कोई रिलेटिव, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे भी बिजी रहने वाला हूँ, तो इसलिए दैट्स व्हाई मैं उनके साथ अब की राइड पे नहीं जा पाया। वैसे मैं जो राइड की प्लान कर रहा हूँ जल्दी है, वो आने के बाद वो आ जाएंगे, तो उसके बाद निकल जाएंगे। कई दिन बाद बाइक आई ना उनके पास, इसलिए उनको एक्साइटमेंट अलग ही दिख रही थी कि चलो भाई अभी निकल लेते हैं। मैं बोला यार मैं अभी इस वाली राइड पे तो नहीं जा पाऊंगा, नेक्स्ट वाली राइड पे जैसे कि मैं प्लान बना रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही होने वाली है, उसको जरूर जाऊंगा मैं। कल से मुझे कीड़ा काट रहा है कि नया iPhone लेते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया कोई फ़ोन लिए, क्योंकि फ़ोन मतलब लाइफ लाइन थी मेरी, कभी एक टाइम पे कोई भी नया फ़ोन है फ़ोन लेना है यार ये लेना है, बट काफ़ी टाइम से ना वो आदत छूट गई थी, बट फिर से कुछ कीड़ा काटा है मुझे फ़ोन लेने का, तो फ़ोन लेने जा रहा हूँ, देखते हैं कौन सा वाला फ़ोन लेता हूँ, कोई आइडिया नहीं है। शॉप पे जाऊँगा, जो पसंद आएगा मैं उठा लूँगा, बाकी सब बढ़िया है। अगर ना आए तो दे उसे बता दूंगा कि भाई वो लेके आ जाएगा, और फिर देख लेंगे। बाकी यहाँ पर मैं गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव में क्या करने आया था, अपनी सिस्टर को मैं ड्रॉप करने आया था, और अभी मैं जा रहा हूँ उस शॉप पे। सो फाइनली iPhone 12 बाई कर लिया। इससे वीडियो क्यों नहीं बना रहा, इसका रीज़न बताऊंगा बाद में, क्योंकि ना अभी ये सेटअप हो रखा है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, घर जाके जो चेंज कर लूँगा ना सब कुछ, तब उसके बाद उसमें बनाने लगूंगा, क्योंकि ना मुझे एक फ़ोन चाहिए था जिसमें ना वीडियो अच्छी रिकॉर्ड हो। सो इसके लिए iPhone 12 लिया है मैंने, और वैसे थोड़ी चुल भी थी कि यार iPhone लेना है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि मैंने ना पहले 6S प्लस लिया था, फर्स्ट डे जाके रात को 12 बजे जाके मैं लेके आया था, मेरा पहला iPhone नहीं था, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो वो फ़ोन था जो मैं रात को गया 12 बजे फ़ोन लेने के लिए कि भाई आज लॉन्च होने वाला है, रात के टाइम फ़ोन लॉन्च होने वाला है, तो मैं रात को ही बाय करके ले गया है। तो पहले कुछ ऐसे थे माहौल, अब बदल चुके हैं माहौल, अब यूट्यूबर हो चुके हैं, सीरियस हो चुके हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, फ़ोन के चक्करों में कम ही पड़ते हैं, बाकी सब बढ़िया है। अभी मैं जा रहा हूँ कहीं काम से, अपनी बुआ जी के एक्चुअली में बता देता हूँ, होली है, होली देने जा रहा हूँ, तो चलते हैं वहाँ पे और होली दे के आते हैं, फिर सीधा घर जाते हैं, फिर घर जाने के बाद आपको बातें बताते हैं, फ़ोन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह देते हैं। रीच होम, बाकी फ़ोन दिखाने से पहले ना मैं ऊपर जाता हूँ, क्योंकि ऊपर क्या काम चल रहा है मुझे देखना ज़रूरी है, कल भी नहीं देखा था, आज भी नहीं देखा है, आज सुबह जैसे बताया था बिजी चल रहा था मैं होली उसके चक्कर में, तो बाकी मैं चलता हूँ ऊपर और देखते हैं कि मेरे स्टूडियो काम कितना कंप्लीट हो चुका है, क्या रह चुका है, बाकी काम भी कंप्लीट कराने हैं। सो रीच्ड माय स्टूडियो, स्टूडियो भी फ़िलहाल दिखाऊँ या ना दिखाऊँ
दिखाना चाहिए आपको, पता नहीं, चलो फिर भी दिखा देता हूँ कुछ। अभी तो ऐसा है, आपको पता होता है जब शुरू में दिखता है तो कितना बेकार लगता है देखने में। बाकी काम ये हुआ है, कुछ काम इधर हुआ है, कुछ काम बाकी पत्थर वाला काम भी है, यहाँ पे पत्थर लगने वाला है, कौन सा लगने वाला है वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, जल्दी डिसाइड करूँगा। बाकी है ना, मैंने थोड़ा सा ओवरऑल पूरा ना प्लान अपने माइंड में रख लिया है कि कैसे मैं इसको तैयार करने वाला हूँ, कैसे इसको फिनिश करने वाला हूँ। लाइक एसी इधर है, एक उधर है, कहाँ बैठने वाले हैं हम, टीवी कहाँ लगने वाला है, टीवी भी इम्पोर्टेंट है, मेरी टेबल कहाँ लगने वाली, कंप्यूटर वाली टेबल कहाँ लगने वाली वो भी इम्पोर्टेंट है, बाकी वीडियो किधर से बनाऊंगा, कौन सा एंगल वीडियो का बेटर रहने वाला है वो भी देखना है, बैकग्राउंड कैसा रहना है वो देखना है, लाइटें कहाँ लगनी है वो देखनी है, मतलब देख रखी है, सोच रखी है। एक्चुअली में रिजल्ट वैसा आएगा नहीं आएगा नो आइडिया, अब देखते हैं कि फ्यूचर में इतना आगे झाँक के तुम देख नहीं सकते। बाकी प्लानिंग अपनी तरफ से कर रखी है, बाकी सब बढ़िया है, बाकी तबाहियाँ तो मची हुई है, ये देखो कब तक कंप्लीट होता है इसका भी देखना है। बाकी और जगह का तो पेंट में आप देख रहे होगे कि लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है, एक दो जगह का रह गया होगा तो वो भी एक दो दिन में, हफ्ते भर में 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये लास्ट में ये काम कंप्लीट होने वाला है जिसमें थोड़ा समय लगने वाला है, जैसे मैंने बताया था आपको लगभग 20 दिन से लेके 1 महीने तक लग जाएगा, क्योंकि होम टूर देने से पहले, उससे पहले तो कोई ट्रिप भी हो जाएगी, जिस ट्रिप की मैंने प्लानिंग कर रखी थी वो जल्दी ही ट्रिप होने वाली है, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा ट्रिप्स पर कैंसिल हूँ, क्योंकि मज़ा आने वाला है और इस बार बाइक से जाने वाले हैं। चलो इतना सरप्राइज मैं रिवील कर देता हूँ कि हम बाइक से जाने वाले हैं। सो आईफोन 12 के बारे में जैसे मैंने बताया था कुछ चर्चा कर लेते हैं। बाकी मुझे ना पता नहीं कौन सा वाला 12 लेना था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मिनी लूँ, 12 लूँ, प्रो लूँ, प्रो मैक्स लूँ। वैसे है ना, मिनी का मुझे कुल मिला ऐसा लगा कि उसका साइज़ छोटा है और उसमें डिस्प्ले में इतनी अच्छी, मतलब मज़ा वाली बात नहीं आती। मैं पहले से बड़ी स्क्रीन का यूज्ड हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी चाहिए थी, और साइज़ भी कॉम्पैक्ट हो जाए तो और क्या बात चाहिए थी, तो दोनों ही चीज़ मुझे इसमें मिल गई, साइज़ छोटा मिल गया और स्क्रीन बड़ी मिल गई, क्योंकि इसमें एज टू एज स्क्रीन है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कवर कर रखा है और अच्छी तरह मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है। मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ तो मुझे कैसा रिएक्शन आता है, मैं पहली बार वीडियो मैंने चलाई नहीं अब तक, मैं को चला के देख लेता हूँ, अपनी वाली ही चला के देख लेता हूँ तो इसमें कैसी नज़र आने वाली है मुझे, और थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँगा कि एक्चुअली में कितना बड़ा साइज़ है ये। वैसे मैक्स वाला साइज़ बड़ा होता बट वो हाथ में यूज़ करने में, सिंगल हैंड यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आती, तो मैं चलाता हूँ ये लास्ट वाली वीडियो चला लेता हूँ। ऐड चल गई, ऐड आ रही भाई ये वीडियो में, क्या बात है। इसको स्क्रीन कुछ इतनी बड़ी नज़र आती है, इसको बड़ा करते हैं, बड़ा हो जाएगा, देखता हूँ देखता हूँ, स्क्रीन होगी बड़ी। सो देखने के बाद कैसा लग रहा है मुझे, वॉल्यूम डाउन करता हूँ। स्क्रीन का साइज़ कुछ ऐसा आता है जब पूरा एक्सपेंड करने के बाद काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है, जो मेरा पहला वाला फ़ोन है उसके कंपैरिजन में स्क्रीन साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, या मेरे ख्याल से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि है ना ये एज टू एज डिस्प्ले है ना, तो इससे साइज़ थोड़ा सा वैसा फ़र्क आ जाता है। बाकी सब बढ़िया लग रहा है मुझे, मतलब यूज़ करने में थोड़ा सा ऐसा है कि जो प्रोसेसिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू मेरे प्रीवियस फ़ोन, जो काफ़ी स्लो हो गया था, काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा था, 3 साल से मैं यूज़ कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा उसमें स्लो डाउन हो गया था, तो अब ये इसको यूज़ कर रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है, गेमिंग के लिए भी मेरे ख्याल से अच्छा होगा, गेमिंग वैसे मैं करता नहीं हूँ यूजुअली, मैं थोड़ा सा अपना काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ या फिर मैं कुछ रेस्ट ही कर लेता हूँ, मैं गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ। गेमिंग मैं मे बी डेस्कटॉप पे करूँ, जो ऊपर मैंने कॉर्नर बनाया अपना डेस्कटॉप के लिए, वहाँ पे बैठ के शायद मे बी मैं इन फ्यूचर में कोई गेमिंग वेमिंग करूँ या आपके लिए कुछ वीडियो वीडियो भी बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे डाउन बिलो। अपनी तो बाइक बाहर खड़ी है, यहाँ पे गंदी धूल खा रही है, इसको मैं वॉश कराऊँगा, आज नहीं कराऊँगा, लेट हो गया काफ़ी, कल कराऊँगा। बाकी उसके फ्रंट टायर में फिर से हवा कम हो गई है, मैं भी कुछ दिक्कत होगी वो चेक करानी है। बाकी सब कुछ फाइन लग रहा है, फिट एंड फाइन, बट गंदी ज़रूर लग रही है, साफ़ कराना ज़रूरी है जल्दी से जल्दी। उस कार को तो वॉश करा देता हूँ, उस वाले के पे कपड़ा मार दिया था दूसरी वाली पे, और उसको वॉश करा के लाना है, बाद में करा के लाएंगे, फिलहाल इनको पहले पार्क करते हैं अंदर, क्योंकि पार्क करना ज़रूरी है। 2 दिन से 3 दिन से बाहर खड़ी है, काम के लिए खड़ी थी, जो पेंट हो रखा था ना ऊपर वाला, ये वाला जो ये आप ऊपर देख रहे हो ना पेंट, ये सारा कंप्लीट पेंट हुआ है, इसलिए मैंने इनको बाहर पे लाके खड़ी कर दिया था। अब उनको तो पहले कर दिया था, कल ही खड़ा मैंने, इनको नहीं किया था, इनको आज खड़ा करता हूँ और फिर मेरा काम हो जाएगा फिनिश। एक काम और है, ऊपर सामान के कारण ना कि अलमारी नहीं खुल रही है, तो उस अलमारी को खोलने के लिए ना सामान हटाना पड़ेगा, एक काम दूसरा वो है मेरे पास, मतलब यार एक पेंट चालू हो जाए घर में।
सो ऐसे ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, पता नहीं चलता कि ये करो वो करो, मतलब पूछो मत कितने काम हो जाते हैं। दोनों पार्क हो गए अपनी जगह सेफली, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिन कुछ पार्क रहने थे, कल जाएंगे वॉश कराएंगे। सो बैक टू माय रूम, और अभी क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला, आराम से बैठने वाला हूँ, फ़ोन यूज़ करने वाला। नया फ़ोन जब आता है ना अपने हाथ में ना, तो मन करता है सारे दिन उसमें गेम खेलो, जो मन करे वो करो, हाथ में से फ़ोन जाने का मन ही नहीं करता है कि बस फ़ोन हटाओ ही मत। और बैटरी भी मैंने चार्ज कर ली, लगभग 80% मैंने बैटरी चार्ज कर ली है, तो मैं इसमें गेम डाउनलोड करने वाला हूँ, उसके बाद गेम खेलने वाला हूँ। बाकी छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि कोई ऐप्स वगैरह जो मेरे दूसरे वाले प्रीवियस फ़ोन में थी ना, वो सारी ऐप्स इसमें मुझे डालनी है, उसके बाद मैं फिर इसको रेगुलरली यूज़ करूँगा। इसमें बाकी जो काम है जैसे कि ई सिम का काम है, वो कल संडे हो गया तो कल नहीं होने वाला, वो मंडे को होने वाला, मंडे को तो संडे होगी तब भी नहीं होगा, ट्यूजडे को जाके होगा। तो इससे अब होली आ रही है, तो यार होली सेलिब्रेशन होगी, देखते हैं कि वीडियो बना पाता हूँ नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि क्लास की तो दिक्कत नहीं रहती है, मेनली दिक्कत होती है पानी की, पानी से कैमरा दूर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत आ जाए, वैसे बॉडी में ख्याल से वेदर प्रूफ है, वेदर प्रूफ मतलब वाटर प्रूफ को बोलते हैं इन कैमरा लैंग्वेज, सो है तो सही शायद, बट लेंस नहीं है शायद, लेंस अगर होगा तो देखते हैं। बाकी मैं ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि वेदर प्रूफ है नहीं है, जो भी है, अगर नहीं होगा तो फिर फ़ोन से करेंगे, फ़ोन तो वाटर प्रूफ है, नया फ़ोन आया है इससे ट्राई मारेंगे, रिस्क लेना लाइफ में बनता है, नए नए फ़ोन से मैं ट्राई करके देखूँगा। बाकी IP68 है जो कि वाटरप्रूफ होता है, एप्पल ने बता रखा है, तो बाकी सब बढ़िया है। अभी इस वीडियो को चलो यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनी है, बट ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बस आज आईफोन बाई किया है, कल थोड़ा सा इधर उधर निकल गए थे, बाकी सब बढ़िया है। अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कि एडवेंचरस राइड आने वाली है, उसकी तैयारी होने वाली है स्टार्ट होली के जस्ट अगले दिन से ही। जी हाँ, अगले दिन से ही मैं होली के बाद में स्टार्ट कर दूंगा उसकी राइड की प्लानिंग, धमाकेदार राइड होने वाली है, मज़े वाली, कुछ डिफरेंट जगह जाने वाले हैं, कुछ सेम जगह नहीं जाने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में इतना ही, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, बाय।